नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको प्रदेश की उन चुनिंदा विधानसभा सीटों के हाल दिखाते हैं जहां इस बार सत्ता की खातिर सियासी दलों और प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। ऐसी एक सीट है कटनी जिले की जयर घवगढ, जिस पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक सबकी नज़र है। यहाँ से सिटिंग MLA संजय पाठक ने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ BJP का दामन थाम लिया था और फिर 2014 के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। विधायक से मंत्री बनाए गए संजय पाठक के विरोध में BJP की दिग्गज नेत्री पद्मा शुक्ला ने पार्टी से इस्तीफा दिया, जो अब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में है। यानी हालात लगभग 2013 के चुनाव जैसे हैं, जहां एक बार फिर पद्मा शुक्ला और संजय पाठक के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बार पार्टियां बदल गई हैं। तो आइए देखते हैं कि जयर घवगढ़ की इस खास सीट पर क्या कर रहे हैं कांटे की टक्कर वाले ये दोनों प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे 28 नवंबर की तारीख यानी मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स ऐसी हैं जहां सियासी तपिश देखने लायक है। और ऐसी ही सीट है कटनी ज़िले की जयर घवगढ़, जहां BJP के संजय पाठक का मुकाबला अब कांग्रेस की पद्मा शुक्ला से है। लगातार जनसंपर्क हम देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से समेटा हुआ ये जनसंपर्क। अभी पद्मा शुक्ला जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, गांवों में घर घर जाकर ये जनसंपर्क कर रही हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पद्मा जी, चुनाव मैदान में उतरने का एक लंबा अनुभव है, लेकिन BJP की टिकट पर आप उतरते थे, अभी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है, आपको बोलना पड़ रहा है कि पंजा है इस बार चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह बताना तो आवश्यक होता है, इसलिए पंजा है चुनाव चिन्ह ये बताना होगा। क्या मुद्दे हैं आपके पास? हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। युवा सारा एक भारी संख्या में यहाँ पर युवा है और इनको पूरे भारत के जितने प्रदेश हैं, हमारे क्षेत्र के लोग, चाहे महाराष्ट्र हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, पूना हो, या हर प्रदेश में काम करने जाते हैं। और कभी कभी दुर्भाग्य से कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो ऐसे मौके आए कि एम्बुलेंस तक नहीं मिलता और माता पिता गरीब को वहीं जाके उनका दाह संस्कार भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ दो कंपनियाँ जो स्वीकृत हैं, सांगी और वेलसपन, लेकिन आज तक वो कंपनियाँ लग नहीं पाई हैं। क्या उनमें प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जो उद्योग मंत्री भी थे, क्यों नहीं करा पाए, ये अभी गर्भ में है, रहस्य है कि क्या रहस्य है। लेकिन हमने देखा कि लगातार आपने संजय पाठक को निशाना बनाया इस कैंपेन में, भले वो उनकी सक्रियता की बात हो, भले उनको बाहरी कुछ प्रत्याशी बताने की भी बात आपकी ओर से की जा रही थी, तो ये टारगेट पर है संजय पाठक। संजय पाठक हो या कोई भी हो, जो वर्तमान में है, लक्ष्य तो टारगेट तो वही होता है ना, उनके कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत सी मोहल्लों में आप गए, महिलाओं बच्चों से मिले, स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है? स्वास्थ्य को लेकर हमारे यहाँ जो अस्पताल है, एक बरी है और एक भी जरा हुआ वाले, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं। और जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, तो PSC छोटा वाला, तो वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं है। एक कैमूर में है, उसमें भी वो होम्योपैथी वाली डॉक्टर बैठी हुई हैं। इसलिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी उपलब्ध होनी चाहिए वैसी नहीं है। जयर घवगढ़ की जनता बदलाव करेगी, ऐसा आपको क्यों लगता है और आप क्यों ऐसा मानते हैं कि जनता इस बार आपको चुने? जनता बदलाव चाहिए, चाहे पद्मा शुक्ला हो या और भी जो हो, सब अपने लिए बोलेंगे कि भाई बदलाव लाइए और हमें चुनिए जो भी मैदान में होगा। और चूंकि बदलाव लाने की बात इसलिए की जा रही है कि हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, जयर घवगढ़ में रहते हैं, हमें क्षेत्र की स्थितियाँ पता है, हमें अपने बच्चों का दर्द पता है। संजय पाठक तो लगातार विधायक रहने के साथ साथ जैसे ही BJP में आए मंत्री भी बना दिए गए, कद्दावर मंत्री रहे वो, तो उसके बावजूद भी क्या कमियां देखती हैं आप फिर, क्या व्यक्तिगत तौर पे उनकी खामियां थी?
व्यक्तिगत मैं किसी के लिए कोई खामियां निकालना नहीं चाहती, व्यक्तिगत से मुझे कोई मतलब नहीं। क्षेत्रीय विधायक का जो कर्तव्य होता है वो पूरे होने चाहिए। आपने अभी जगह जगह वीडियोग्राफी की है, सड़कों की हालत देखी हुई है, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं भी आपके सामने आई हैं कि वो परेशान है या उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही। देखिए, गाँव की जनता आज भी हम कहें बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत जागरूक नहीं है। उनको हमें समझा कर उनको जो सुविधाएँ दी जा रही हैं उन्हें उपलब्ध कराना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये लोकल लोगों का काम होता है। ২০১৩ का चुनाव भी कमोबेश ये था, पार्टियां दूसरी थी, महज 900 वोटों का लगभग का अंतर था। इस बार क्या दावा है? देखिए, जनता ने तो पिछली बार भी मुझे बनाया था, अभी भी, लेकिन जब चुनाव में साम दाम दंड भेद सब चलता है। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है बहुत, मैं सेवा कर सकती हूँ 5 साल तक, बिल्कुल मेहनत कर सकती हूँ जैसी मेहनत आज कर रही हूँ। मैं जिला पंचायत में थी तब भी मेहनत करती थी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो चुनाव आजकल आप अच्छी तरह से समझते हैं कि यंत्र मंत्र तंत्र तो का उपयोग होता ही है, लेकिन षड्यंत्रों का सबसे ज़्यादा पैसे के आश्रय होता है, षड्यंत्र सबसे ज़्यादा। हो सकता है मैं उसमें उस समय कामयाब नहीं हो पाई षड्यंत्रों को रोकने में, नहीं तो जनता ने तो मुझे पहले भी जुटाया था चुनाव, और मैं जनता की ऋणी हूँ। तो पद्मा शुक्ला कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में है, दावा है कि इस बार विजय राघवगढ़ की जनता परिवर्तन जरूर करेगी। मूलभूत मुद्दों को लेकर, आधारभूत मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में है, व्यक्तिगत तौर पर भी और एक विधायक के तौर पर भी जो काम किए जाने थे यहाँ पर संजय पाठक की ओर से, उनको लेकर लक्ष्य बनाया गया है, निशाना साधा जा रहा है और सियासत जमकर हो रही है। लेकिन देखना होगा कि विजय राघवगढ़ की जनता इस बार इन दावों के मुकाबले क्या चुनाव परिणाम सामने लाती है। संजय पाठक जो कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, बीजेपी में शामिल हुए और अब उनकी ओर से पद्मा शुक्ला के कार्यकाल को, भाजपा के कार्यकाल को ऐसा बताया जा रहा है कि तब विकास कार्य नहीं हुआ, उन्होंने कोशिश बहुत की है। चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, लेकिन माहौल कैसा है आपके लिहाज से? देखिए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई उत्सवी माहौल है, और जिस प्रकार जनता का स्नेह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो ये लोग खड़े हैं, ये बड़े बुजुर्ग हैं, माता हैं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं मंत्री के रूप में आया हूं या विधायक के रूप में या कोई प्रत्याशी के रूप में। यहाँ प्रचार की शैली भी मैं देख रहा हूं, यहाँ पर जो संबंध व्यवहार है जैसे पिता पुत्र के होते हैं, माँ बेटे के होते हैं, वैसे ही मेरे संबंध व्यवहार क्षेत्र में है, और लोग मुझे अपना पुत्रवत स्नेह करते हैं, और वैसे ही स्नेह यहाँ पर मिल रहा है ये सभी लोगों का, और जो नौजवान है भाई जैसा मान के और पूरे टूट टूट पड़ते हैं साथ में। कनेक्शन तो वोटर से आपने साधा हुआ है, यही वजह है कि पार्टी बदलने के बाद भी आपको 53,000 वोटों से जीत हासिल हुई, लेकिन सवाल ये भी है कि आपका मुद्दा क्या है चुनाव में इस बार? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो हमारा केवल और केवल विकास है। आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बिजली भी हम लोग लाई, सड़क भी हमने बनाई, और क्षेत्र की अगर बात करें तो आप भी, आपका IBC 24 चैनल, इसकी रीच पूरे देश दुनिया में है, आप और भी विधानसभा का दौरा करते हैं, लेकिन आप स्वयं इस बात को जानते होंगे, देख के आए होंगे कि किस प्रकार से मेन रोड्स हमारी जितनी थी वो सब टॉप क्लास बन गई हैं। लगभग 1,000 करोड़ के आसपास हमने यहाँ के सड़कों के लिए लाया है, और मेरे विजरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया है। इसी के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में हमने 8वीं को हाई स्कूल और हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड किया है, और कॉलेज में बरी विजरागढ़ कैमोर कॉलेज है हमारे पास, जिसमें बरी कॉलेज में हमने PG की क्लासेस स्टार्ट कराई, नए सब्जेक्ट स्टार्ट कराए हैं, विजरागढ़ कॉलेज का नया भवन बन के तैयार हो गया है। टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे पास एक ITI ACC के साथ मिलकर हम कैमोर में चलाते हैं, एक विजय राघवगढ़ में ITI है, और एक 14 करोड़ रुपये की लागत से बहुत भव्य ITI हमारा बरी में तैयार हो गया, उसका भी उद्घाटन हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ और भी इशू हैं, मसलन
बाहरी तौर पर सड़कें तो अच्छी हैं अगर, लेकिन कनेक्टिविटी गांवों की देखें तो कई गांवों में सड़क अब तक सही तरह से नहीं बनी। कुछ लोग तो खिरिया खुर्द, एक खरिया खुर्द नाम का एक गांव बताया गया, वहां पर लोग जी वहां पर भी ऐसी समस्या है। तो ये नौबत क्यों है? अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी बताई गई और इसको पद्मा शुक्ला जो कि बीजेपी कांग्रेस की कैंडिडेट है वो इसको इशू भी बना रही है। बिल्कुल उनको इशू बनाना चाहिए क्योंकि 15 साल से तो वही पावर में थी यहाँ पर और कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास था। उन्होंने सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में संगठन की मंत्री नहीं पूरे मध्य प्रदेश की, और एक बार नहीं दो दो बार यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ी। अब जनता उनको आशीर्वाद नहीं देती, उनके भाग्य में विधायक ही नहीं, तो उसमें मेरा दोष नहीं है। लेकिन जो वो इशू बनाती हैं मैडम, तो सत्ता में वो रही हैं 15 साल, वो क्या की, एक डॉक्टर हुआ करता रहा विजय राघवगढ़ में, आज 7 डॉक्टर हो गए। हमें चाहिए 14 डॉक्टर, 7 हैं हमारे पास, या 12 डॉक्टर चाहिए, 7 हैं। जब ये पद्मा जी का समय था तब मात्र 1 डॉक्टर होता था। पद्मा जी के समय अस्पताल का भवन नहीं होता था, आज 100 बिस्तर का अस्पताल का भवन विजय राघवगढ़ में है, 30 बिस्तर का नया 30-बेडेड हॉस्पिटल बनके कंप्लीट हो गया है, बड़ी हमारे जो नगर पंचायत है, 10-बेडेड हॉस्पिटल हमारा कैमोर में तैयार हो गया, डिलीवरी सेंटर हमारा कारितलाई में, छोटे छोटे ANM सेंटर हर गाँव में बन गए। मेरे पूरी विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 2 ही गाँव थे जो मार्गविहीन थे, एक था खेरवा खुर्द, 22.5 लाख सेंक्शन हो गया, प्राइवेट जमीन थी, मैंने उसको खरीद लिया है और गवर्नमेंट को दान कर दिया है। दूसरा गांव है घोड़हर, ये हरदुआ पंचायत में आता है, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी सेम समस्या थी, डूब में बाद में वो क्षेत्र आया और जितनी जमीन थी मार्ग के लिए वो सारी रोड भी प्राइवेट जमीन थी, लगानी और किसानी जमीन थी, वो भी देने को तैयार नहीं थे, सरकार को नहीं दे रहे थे। फिर हमने जाके उनसे लिया और उनसे लेकर और फिर दान पत्र कराया और वहां 37.5 लाख रुपए से वहां पे भी सड़क का निर्माण चालू। इस बार जो जमीनी तौर पर यह चुनावी लड़ाई हो रही है, खुद अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे बीजेपी के, उनका ऐसा कहना था कि ये चुनाव जो है साइबर योद्धा भी लड़ेंगे, सोशल मीडिया बड़ा अहम है। तो हम देख रहे हैं कि पुराने जब आप दोनों की ही पार्टियां अलग अलग हुआ करती थी तब के वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, तो वो एक वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहाँ पर चुनाव प्रचार की कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए सोशल मीडिया में हमने जो किया है हम उसको अपलोड करते हैं और उसमें हज़ारों लोग उसमें थम देते हैं, यानी वेरी गुड कर रहे हैं। और जो प्रश्न हम खड़ा करते हैं कि 15 साल से पद्मा जी आप इस क्षेत्र में रही हैं और सरकार में रही हैं, 4.5 साल आप कैबिनेट मंत्री का रैंक लेके आई थी और जिला पंचायत की 3 बार सदस्य रही हैं, तो उनने क्या किया, तो डाउन थम आता है, यानी नहीं कुछ नहीं किया, तो लड़ाई आपके मुताबिक आप जीत रहे हैं वो बिल्कुल। आप सोशल मीडिया को ओपन करके देखेंगे तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में शायद तीसरे नंबर पे हमारा अकाउंट होगा कि 4,88,000 फॉलोअर्स हैं हमारे फेसबुक में और ट्विटर में भी, इसमें कहीं पे भी पद्मा जी या कोई जी कोई नहीं है, मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश में 3रा नंबर है मेरा। अभी जो कैंपेनिंग पद्मा शुक्ला की चल रही है जो कि कांग्रेस की लीडर है और एक तरह से कांटे का मुकाबला दोनों ही दलों के बीच में विजय राघवगढ़ में है, उसमें व्यक्तिगत तौर पे आपको भी टारगेट किया जा रहा है और ये कह रहा है कि कहा जा रहा है कि धनबल के मामले में वो कमजोर पड़ रही है, नहीं तो ये सीट उनके लिए निकालना। अब आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ कि प्रदेश में 2 लोगों के बीच में चुनाव चल रहा है, एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति कमलनाथ जी और एक गरीब किसान के बेटे शिवराज जी, तो जो कमलनाथ जी हैं वो भारी हैं या शिवराज जी भारी हैं पैसे के मामले में, धनबल के मामले में? और जो मेरे को जानकारी है कि कब कब कहां कहां से और कितना कितना पैसा कमलनाथ जी ने पद्मा शुक्ला जी को भेजा है मुझे पूरी जानकारी है, और पद्मा शुक्ला जी कितने करोड़ों में चुनाव लड़ने जा रही हैं मैं देख रहा हूँ। और आप भी देखें यहाँ पर कि मैं मोटरसाइकिल में घूम रहा हूँ, मोटरसाइकिल में प्रचार कर रहा हूँ और पैदल चल रहा हूँ, और मेरे साथ आप देखें कि कहीं पर भी आपको ना कोई यहाँ पे प्रचार में खर्चा पानी पैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। बहुत सिंपल है, सीधी मेरी रीच है पब्लिक के बीच में जाना, लोगों के बीच में जाना, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, यही मेरा प्रचार का तंत्र है, पैसा वो खर्च कर रही है। चिरपरिचित शैली में आप चुनाव प्रचार में हैं, दावा क्या है इस बार? पिछला रिकॉर्ड को कायम करना तो मजबूरी है, 54,000 से जीते थे तो 54,000 तो रहना ही चाहिए, लेकिन इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है
और गांव के लोगों ने भी जिस प्रकार से आशीर्वाद, और आप जब देख रहे हैं प्यार जनता का जिस प्रकार वो मर रहा है, तो इस बार 1.25 लाख का लक्ष्य है कि इस बार 1.25 लाख वोट से इस क्षेत्र में हमको विजय श्री प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी को देना है। तो बीजेपी ने अब की बार 200 पार का नारा दिया है, लेकिन संजय पाठक विजय राघवगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी अब की बार 1 लाख पार का नारा दे रहे हैं। चुनाव बड़ा दिलचस्प है विजय राघवगढ़ का, कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है और अपनी अपनी शैलियों से अपनी अपनी खासियत के साथ लड़ा जा रहा है। वोटर्स के दिल में क्या है 28 तारीख को पता चलेगा जब वो मतदान करेगा, और 11 तारीख को देखना होगा कि क्या परिणाम इन तमाम दावों का निकल कर सामने आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, विजय राघवगढ़।